Hello guys and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, आज जो विस्की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है Glengarry Blended Scotch Whisky. तो guys, before we start the review for this whisky, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि प्राइस क्या है इस विस्की का या फिर इस ड्रिंक का. तो लेट मी टेल यू कि जैसे ही वीडियो शुरू होती है विद इन द इनिशियल 2 to 3 minutes प्राइस डिस्प्ले हो जाता है इस साइड बॉटम में. तो प्लीज़ 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 गौर से देख लीजिए प्राइस. और हर वीडियो का यही फॉर्मेट है गोइंग फॉरवर्ड. अगर ये फॉर्मेट चेंज होगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. सो लेट्स गेट ऑन टू Glengarry Blended Scotch Whisky. इसको खोलते हैं, इसका रिव्यू करते हैं, मगर पहले इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग. थोड़ा पोर करते हैं, विस्की को थोड़ा खुलने देंगे, तब तक हम शेयर करेंगे थोड़े फैक्ट्स. उसके बाद विल गेट ऑन टू द नोजिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द विस्की. ऑलराइट, तो ये विस्की अगर मैं देखूँ डब्बा जो है वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है मुझे. एक बहुत ही अच्छी मैट काइंड ऑफ फिनिश है ट्यूब के ऊपर एंड अ वेरी गुड प्रिंट इंडीड आई वुड से फॉर द ट्यूब. लेट्स ओपन द ट्यूब, लेट्स अनबॉक्स इट. दैट्स Glengarry फॉर यू गाइज. चलिए इसको खोलते हैं, करते हैं थोड़ा सा पोर. तो गाइस हमने पोर कर लिया अपनी Glengarry विस्की. जब तक ये विस्की खुले मैं आप लोग को थोड़ा सा बताता हूं अबाउट द विस्की. So this whiskey is owned by Loch Lomond Group and Loch Lomond is a distillery in the Highlands of Scotland. It is a multifunctional distillery. वहाँ पे malt whiskies भी बनती हैं और grain whiskies भी बनती हैं और of course blended whiskies भी produce होती हैं. In the 19th century एक same नाम की whiskey आया करती थी Glengarry Blended Scotch Whisky. मगर ये जो है इट इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट विस्की. दैट वॉज ओन्ड बाय जॉन हॉपकिंस एंड कंपनी बट ओवर द ईयर्स इट वॉज टेकन ओवर बाय डिस्टिलर्स कंपनी लिमिटेड एंड नाउ इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय Loch Lomond ग्रुप विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1966 इन अलेक्जेंड्रिया डनबार्टन शायर. सो दिस इज मोर ऑर लेस अबाउट द विस्की. इट इज़ मेड अप ऑफ अ ब्लेंड ऑफ विस्कीज विच हैव टू सिंगल मॉल्ट्स इन इट्स ब्लेंड एंड अ नॉन एज स्टेटमेंट ब्लेंडेड विस्की इन इट्स ब्लेंड. तो दैट्स प्रिटी मच इट अबाउट दिस Glengarry विस्की. दिस वन जस्ट वेरी गुड इन्फॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू और वो ये है कि Glengarry जो है इट derives its name from the bonnet that was used to be worn by the Scottish people back in the day. A bonnet kya hota hai? That is a cap that is worn by them with the kilt that they wear, sometimes without that as well, but bonnet wo pehante hain, wahan se ye derive karta hai apna name. So that's pretty much it about the whiskey history and good to know facts. But इतनी देर में मुझे लगता है कि ये विस्की अच्छे से खुल चुकी है बिकॉज आई कैन गेट दी अरोमाज ऑफ विस्की इन द रूम. सो लेट्स गो अहेड, लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग एंड टेस्टिंग एंड लेट्स सी कि व्हाट दिस विस्की हैज टू ऑफर. चलिए तो अगर मैं कलर की बात करूं तो लाइट गोल्डन सा कलर है इसका. इनफैक्ट मोर ऑर लेस गोल्डन ही है बट ऑन द लाइटर साइड, नॉट ऑन द डार्कर साइड ऑफ गोल्डन. चलिए लेट्स गेट ऑन टू द नोजिंग. वाओ, आई कैन गेट अ बिट ऑफ पीट इन 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 द नोज, अ बिट ऑफ स्मोक, अ लॉट ऑफ वनीला, अ बिट ऑफ सिट्रस इन इट. A bit of honey in it that I can get. Wow. Very nice, very beautiful whiskey. I can get a bit of fruitiness in it.
That's pretty much it about the nose. Let's get on to the taste. On the taste, I can get peatiness out of it. एक माउथ फील जो है इसका मीडियम काइंड ऑफ माउथ फील है, बहुत ज़्यादा फुल बॉडीड नहीं है. आई कैन गेट दोज अ बिट ऑफ स्मोकीनेस इन इट, आई कैन गेट अ बिट ऑफ और अ लॉट ऑफ वनीला इन इट, अ बिट ऑफ फ्रूटीनेस इज देयर. लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट एंड लेट्स सी कि व्हाट डिड आई मिस. चलिए, तो मैं बोलूँगा हल्की सी फ्रूटीनेस है इसमें, वनीला का अच्छा है फ्लेवर, एक हल्का सा या फिर बहुत अच्छा सा पीटीनेस का टेस्ट है इसमें, स्मोक है इसमें, एक अल्कोहल का बर्न ज़रूर है इसमें आई वुड से, बट मोर और लेस इट्स अ गुड विस्की आई वुड से इन माय ओपिनियन. नाउ लेट्स गेट ऑन टू द कंपैरेटिव टेस्टिंग एंड लेट्स सी कि कंपैरेटिव टेस्टिंग में क्या फ़र्क आता है. मैं बोलूँगा इसका जो फिनिश है वो अच्छी खासी लेंथ की फिनिश है, आई वुड से अ लॉन्ग फिनिश, क्योंकि आई कैन स्टिल टेस्ट दी फ्लेवर्स इन माय माउथ, सो मीडियम टू लॉन्ग फिनिश आई वुड से. चलिए लेट्स ऐड अ डैश ऑफ वाटर टू इट. Let's get on to the nosing. The nose seems to be more or less the same. हल्की सी पीटीनेस जो है वो खुल के आ रही है, बाकी more or less the taste remains the same. Nose remains the same. Let's get on to the taste. Let's see कि taste में क्या फर्क है. मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि इसका स्वीट पैलेट तो है ही, बट सारे फ्लेवर्स जो हैं वो सब्ड्यू हो गए हैं विद द डैश ऑफ वाटर, सिर्फ पीट खुल के आ रहा है. लेट्स गेट ऑन टू द सेकेंड टेस्ट, लेट्स सी कि इज इट द सेम एज द फर्स्ट टेस्ट. लेट्स गो अहेड. I would say more or less yes, it's the same. पीटीनेस जो है वो खुल के आ रही है, बाकी सारे फ्लेवर जो हैं वो थोड़े से सब्डी हो गए हैं. सो इन माई ओपिनियन आई वुड से द विस्की इज वेरी गुड एज इट इज़. आई डोंट थिंक दैट देर शुड बी एनीथिंग एडेड टू इट बिकॉज इट टेस्ट वेरी गुड एज इट इज़. तो अगर मैं इसके एफिशनाडोज रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ तो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट अ 8.5 एंड ऑन द फ्लेवर ऑल्सो आई वुड गिव इट अ 8.5. सो मेरे ओपिनियन में एफिशनाडोज नंबर इस विस्की का होता है 8.5. स्टिल अ वेरी गुड विस्की, आई वुड डेफिनेटली अर्ज एवरीवन टू ट्राई इट, बट इन लिमिट्स ऑफ कोर्स. प्लीज डू ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, एंड एज वी से इन एफिशनाडोज डेन, स्टे क्लासी एंड चीयर्स.